नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने Google की अपने Chrome ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट करें। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि हम अपने फोन किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं और वो हमारी सर्च हिस्ट्री से पता लगा लेता है कि ये बंदा क्या क्या सर्च करता है। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि उस सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट करें। दोस्तों, यहाँ पे गूगल का सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने का तरीका पीसी में भी वही होगा जो यहाँ पे मैं आपको मोबाइल में बता रहा हूँ। इसके लिए आपको ओपन करना होगा अपने ब्राउजर को, अपने क्रोम ब्राउजर को, और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हिस्ट्री का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक माह से भी अधिक का हिस्ट्री मिल जाता है। आप जो जो भी सर्च किए रहते हैं, जो भी इमेज डाउनलोड किए रहते हैं, वहाँ पे ये सभी मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं 21 नवंबर 2020, मैं यहाँ पे इस डेट को इतना चीज सर्च किया हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से 20 नवंबर का मिल जाता है, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे आपको 19 नवंबर का मिल जाएगा। मतलब कि पूरे एक माह से भी अधिक का यहाँ पे हिस्ट्री सेव रहता है। दोस्तों, यहाँ से अगर आप चाहें तो किसी वेबसाइट से फोटो डाउनलोड किए होंगे और आपको याद नहीं होगा कि आप किस वेबसाइट से उस फोटो को डाउनलोड किए हैं, तो उस पर्टिकुलर डेट में यहाँ से आप उसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, यहाँ पे हम पिक्साबे टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं पिक्साबे टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए 21 नवंबर के डेट में मैं यहाँ पे पिक्साबे को ओपन किया हूँ और यहाँ से मैं कुछ फ़ोटो को डाउनलोड किया हूँ। तो यहाँ पे मैं उस फोटो को देखना चाहता हूँ कि मैं उस डेट में कौन सा फ़ोटो डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे सिंपली हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इस फोटो को डाउनलोड किया था जो यहाँ पे मैं YouTube की थंबनेल बनाने के लिए यूज किया था। तो दोस्तों, यहाँ से हम आते हैं बैक और यहाँ पे फिर से हम क्लिक करके जाते हैं हिस्ट्री में। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि अपनी पूरी हिस्ट्री को डिलीट करें तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेसिक में अगर आप हैं तो यहाँ पे एडवांस में आ जाइएगा, और यहाँ पे अगर आप अपनी पूरी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑल टाइम सिलेक्ट रखिएगा। जैसे आपके फोन में यहाँ पे कुछ और भी सेट हो सकता है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा ऑल टाइम, और यहाँ पे इस तीन चीज पे आप टिक कर दीजिएगा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और कैचे। आप सेव पासवर्ड और ऑटो फिल डाटा यहाँ पे छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ब्राउजर में कोई पासवर्ड को सेव किए होंगे तो यहाँ पे आप इसे छोड़ दीजिएगा इस दोनों को, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे क्लियर डाटा पे, और इसके बाद यहाँ पे आप सभी को सिलेक्ट रहने दीजिएगा, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा क्लियर डाटा यहाँ पे क्लियर पे। तो यहाँ से अब आपकी सारी ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आते हैं बैक और यहाँ पे हम क्लिक करके आप हिस्ट्री में आते हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मैं जो भी ब्राउज किया था उन सभी का हिस्ट्री डिलीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।